शराबबंदी के बावजूद बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया है। बिहार के 3 अलग अलग जिलों में 19 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। मधेपुरा, बांका और भागलपुर में से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 19 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। जहरीली शराब से हुई मौत के कारण ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। साहेबगंज चौक की बात करें तो वहाँ जाम कर प्रदर्शन किया गया उनकी तरफ से, वहीं पुलिस जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। बात अगर भागलपुर की करें तो यहाँ पर भी पुलिस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोगों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है उसके बावजूद भी इस तरह की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इस घटना में एक बार फिर से बिहार सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। क्या सच में बिहार में शराबबंदी है या इसी तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत होती रहेगी? सरकार को कुछ करना चाहिए, लोगों की लगातार मांग हो रही है। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि अभी तक 3 मौत की पुष्टि हुई है। ये आपको बांका जिले की बात बता रहे हैं। इसके अलावा मधेपुरा में मुरलीगंज प्रखंड मुख्यालय से सटे दिग्घी पंचायत के भी कुछ लोगों की जो है मौत की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ साफ तो नहीं कहा है, लेकिन ये मामला फिलहाल यहीं पर थमता नहीं दिख रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरती नजर आ रही है। है तो अंग्रेजी है, नाम नहीं से पता कौन ब्रांड है। ब्रांड का नाम नहीं पता हमने, तो हम थोड़ा सा दिन में भी नहीं लगे, थोड़ा सा रात में ला लगे, थोड़ा सा रात में ले लो। की नाम चेत विकास कुमार। विकास कुमार हम मायागंज में हाथ नहीं लगा, थोड़ा देर के बाद जब आखिरी हो गया तब खूब जब झगड़ा करने लगा तब डॉक्टर हाथ लगाया। एक सुई दिया बस कहानी खत्म है। आँख का रोशनी भी गया था। आँख का रोशनी, आँख तब दिने से नहीं, आँख खोलिए नहीं रहा था, आँख खोलवे नहीं किया। घटना है कि यहाँ साहेबगंज में दारू धरल्ले से प्रशासन की मिली भगत से बिक रही है। इसकी सूचना हमने एसएसपी साहब के मोबाइल पर मतलब फोन करके दिया, उन्होंने फोन नहीं उठाए। 4 बार 5 बार कॉल किए, फोन नहीं उठाए। उसके बाद प्रशासन को हमने लोग प्रशासन को सूचना दिए, ये लोग ना ही कोई कार्रवाई किया ना ही किसी प्रकार दारू का मतलब रोकने की प्रयास किए, जिसके कारण आज 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस पर पुलिस प्रशासन मतलब कान में तेल देके सोई हुई है। आज जिसका मर गया कि उसके लिए प्रशासन क्या भरपाई करती है, ये हम लोग को देखना है, इसलिए हम लोग जाम किए हुए हैं। तो उन लोग का इलाज प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ से करके उसको वापस सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है आगे के इलाज के लिए। अभी तक सर कितने रेफर किए गए हैं? टोटल 3 अभी यहाँ से रेफर किया गया है, 3 लोगों को रेफर किया गया है। 2 अभी यहीं पर है, जिसमें 3 में से 2 अभी यहाँ पर। कितनी मौत की मामले आए हैं सर अभी तक? जो अभी तक कितने संदिग्ध मौत हैं सर? आप लोग के द्वारा सूचना दी गई है कि अभी लगभग 4-5 के संख्या में। लोग का ये भी कहना है कि एक दिन पहले कुछ डेथ हुई, उसका हम लोग सत्यापन कर लेते हैं और फिर आप लोग को जो संपूर्ण जो जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, क्या कहा जा रहा है सर? देखिए, ये तो सत्यापन का विषय है, हम तो कुछ नहीं, कुछ संदिग्ध लोग तो बोली नहीं है। देखिए, ये तो सत्यापन का विषय है, एक बार हम लोग कर लेते हैं। लेकिन प्रशासन, जाहिर से बात है, शराबबंदी के बावजूद हो रही इन लगातार मौतों से सरकार घिरती नजर आ रही है। जहरी शराब का यह पहला मामला सामने नहीं आया है, इसके पूर्व भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सरकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में शराबबंदी को वो सफल बताने में जुटी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल होती है। देशवा के लिए अजय और रुद्र प्रताप की रिपोर्ट।